मोहब्बत में कितना कुछ लिखा गया है, कितना कुछ कहा गया है ना। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और इसी मोहब्बत पर राघव शंकर ने लिखा है, मैंने तितलियों से इश्क किया था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैंने तितलियों से इश्क किया था, सच कहूं तो मैंने नहीं किया था, हाँ उनको जरूर हो गया था। दरअसल मुझे किसी ने कहा था कि जिंदगी को तितलियों की जिंदगी बनाओ, रंग बिरंगी और मुस्कुराती हुई जिंदगी। और मैंने उससे पूछा, क्या तितलियां कभी रोती नहीं? उसने जवाब दिया, नहीं और कभी रोएंगी भी नहीं। मैं मुस्कुराया, ठीक है अगर मैं उन्हें रुला दूं तो? कैसे? उसने फिर से पूछा, देखते जाओ। मैंने कहा और मैं फिर तितलियों के करीब चला गया। वो हंसती थी, खिलखिलाती थी, मैं भी मुस्कुरा देता था। वो इश्क कर बैठी मुझसे बुरी तरह से, मैं फिर भी मुस्कुरा रहा था। मैं जरूरत बन चुका था उनकी, लेकिन मैं जब तक रहा उनके पास, मैंने महसूस होने ही नहीं थी मेरी कीमत। मैं इतना ज्यादा हाजिर था कि उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया मेरा हाजिर ना होना। और फिर एक दिन, उस वक्त जब वो तितलियां बहुत ज्यादा खुश थी, उड़ रही थी अपनी रंग बिरंगी दुनिया में, तब मैं चला गया चुपचाप, धीरे से मुस्कुराते हुए। हाँ, मेरा अंग्रेजी में लिखा एक फुटनोट जिसे मैं जाते हुए वहां ले गया था, वो वहीं छूट गया था, जिसमें लिखा था, आई क्रिएट अ नीड ऑफ माइन इन यू एंड देन आई लीव यू लाइक अ हेल। वो तितलियां थी, उन्हें सिर्फ प्रेम की भाषा आती थी। क्या लिखा था उन अक्षरों को वो पढ़ तो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने महसूस जरूर किया कि मैं बनाऊंगा खुद को एक जरूरत तुम्हारे लिए और फिर तुम्हें छोड़ दूंगा बुरी तरह से। मैं अपनी शर्त जीत गया था और तितलियां बहुत रोई थी उस रोज, ऐसा सुना था मैंने।